वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, आपका स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, क्या जॉन सीना हमें किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग तक देखने को मिलेंगे, यानी कि सऊदी अरेबिया के पेपर व्यू के अंदर जॉन सीना देखने को मिलेंगे, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। समर स्लैम 2023 का एक और ऑफिशियल पोस्टर देखने को मिल चुका है, एंड एजी स्टाइल्स के रिटर्न को लेकर क्या कुछ अपडेट है, एंड और भी डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस एंड थियरी के स्पेशल जो कि प्लान्स को लेकर। तो काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट होगी इस वीडियो के अंदर। तो भाई, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते हैं फ्रेंड टॉपिक पे आते हैं, एंड टॉपिक की शुरुआत करते हैं एरिक यंग को लेकर। तो एरिक यंग को लेकर मैंने जो कि कुछ से 6 महीने या फिर 7 महीने पहले अपडेट दी थी, यानी कि पिछले साल, तो लगभग कह सकते हैं कि साल भर हो चुका है एरिक यंग को लेकर। तो एरिक यंग को लेकर अपडेट आई थी कि भाई इन्होंने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो एक्चुअल में इन्होंने WWE के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जो कि बैकस्टेज में काम कर रहे हैं फिलहाल तो एरिक यंग, लेकिन कब तक इनका हमें ऑफिशियल मेन रोस्टर के अंदर डेब्यू देखने को मिलेगा, जो कि री डेब्यू, वैसे इसके पहले भी डेब्यू देखने को मिल चुका था, तो एक बार फिर से हमें री डेब्यू कब तक देखने को मिलेगा इसको लेकर कोई अपडेट फिलहाल तो नहीं है। लेकिन यह अपडेट हमें यहां पर देखने को मिल रही है कि जो एरिक यंग है वो WWE के साथ में ही साइन है और WWE के साथ में ही काम भी कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जल्दी हो सकता है कि हमें जो एरिक यंग है वो टीवी टैपिंग्स पे भी देखने को मिले, तो ऐसा कुछ यहां पर एरिक यंग को लेकर अपडेट देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और ये है जो कि WWE के काफ़ी बड़े प्लान्स को लेकर, जो कि हर्ट बिजनेस को लेकर थे। तो हर्ट बिजनेस का जो हमें फैक्शन देखने को मिलता है, इसके रियूनियन को लेकर बार बार हमें टीज देखने को मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर डेव मैनेजर की तरफ से अपडेट देखने को मिल रही है कि जो WWE ने हर्ट बिजनेस के प्लान बनाए थे रियूनियन कराने के, वो प्लान अब ड्रॉप आउट हो चुके हैं। WWE यहाँ पर अब इनका जो रियूनियन देखने को मिलने वाला था वो रियूनियन हमें नहीं कराते वे दिखाई देगी, ऐसा कुछ यहां पर डेव मेल्जर जो कि अपने रीसेंट के रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के अंदर कहते हुए दिखाई देते हैं कि अब ये टीम हमें रियूनियन इनका कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, मतलब अभी जो प्लान था उसको ड्रॉप आउट कर दिया गया। तो ये कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है। वेल भाई, वैसे हम लोग देखना भी नहीं चाहते भाई, बार बार हर्ट बिजनेस का रियूनियन होता है फिर ब्रेकअप भी हो जाता है, तो वैसे तो कोई भी नहीं देखना चाहेगा। आप लोग क्या कहते हो भाई, कॉमेंट में बता देना। अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है, और यह है समर स्लैम 2023 के ऑफिशियल पोस्टर को लेकर, जो कि ऑफिशियली जो कि WWE के वेबसाइट पर भी डाल दिया गया है। तो जैसा कि आप यहां पर फोटो देख सकते हो, थोड़े बहुत हमें यहां पर चेंजेस देखने को मिले हैं। रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स ऑब्वियसली यहां पर एडवर्टाइज देखने को मिल रहे हैं। तो भाई काफ़ी अच्छा खासा पोस्टर है 2023 के ऑफिशियल समर स्लैम का। इसके ऊपर आपका क्या कहना है इस पोस्टर को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स को लेकर। तो एजे स्टाइल्स का हमें कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है। तो जैसा कि आप लोग को बता दूँ कि रिंग साइड न्यूज़ के स्टीव कैरियर की तरफ से अपडेट हमें यहाँ पर यह देखने को मिली है कि अभी भी हमें यहाँ पर जो एजे स्टाइल्स का रिटर्न है थोड़ा बहुत डिले होते हुए दिखाई दे सकता है, यानी कि करंटली अभी ये कंफर्म नहीं है कि हमें कब तक रिटर्न देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ स्पेकुलेशन है कि एक मंथ के अराउंड, यानी कि 1 से 2 महीने में हमें हो सकता है कि द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए WWE रिंग के अंदर, ऐसा कुछ यहां पर अपडेट देखने को मिल रहा है द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स को लेकर। दिसंबर में उनको इंजरी हुई थी, उसके बाद से कहा जा रहा था कि भाई 6 महीने बाद हमें उनका रिटर्न देखने को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मनी इन द बैंक के आसपास या फिर मनी इन द बैंक के बाद में हमें शायद से द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स देखने को मिले। इसको लेकर आपको क्या कहना है भाई, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वैसे स्टिल अभी तो डाउट है थोड़ा बहुत हमें कब तक एजे स्टाइल्स देखने को मिलेंगे, वैसे अगर कोई क्लियर अपडेट आएगी द फेनोमेनल वन एजे स्टाइल्स के रिटर्न को लेकर तो मैं जरूर आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, करंटली यही कुछ अपडेट है। अगले अपडेट की बात कर ले तो यह अपडेट हमें देखने को मिल रहा है एक स्पेशल अटेंशन को लेकर, जो कि विंस मैकमैन की तरफ से है इन 3 सुपरस्टार्स को लेकर, जिनको हमें काफ़ी बड़ा पुश मिलते हुए दिखाई दे रहा है करंटली, और ये 3 सुपरस्टार को आगे भी आने वाले समय में काफ़ी पुश मिलेगा, जिनमें से ये 3 सुपरस्टार का नाम आता है, एक है रोमन रेंस, एक है ब्रॉक लेसनर और थर्ड पे है थियरी। तो रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर तो समझ में आता है, लेकिन थियरी को भी यहां पर इंक्लूड किया जा रहा है, और जो थियरी है इनके अंदर भी काफी बड़ा फ्यूचर जो कि विंस मैकमैन देखते हैं।
हैं। तो ऐसे में ये तीन सुपरस्टार्स को लेकर WWE ने प्लान बनाया है कि जो विंस मैकमैन है उनका इनमें काफ़ी बड़ा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा आगे आने वाले क्रिएटिव प्लान्स के अंदर। यानी कि जो रोमन रेंस है विंस मैकमैन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे रोमन रेंस की स्टोरी लाइन में, ब्रॉक लेसनर के स्टोरी लाइन में और हो सकता है ऑस्टिन थियरी के स्टोरी लाइन में। जो विंस मैकमैन है इन तीनों सुपरस्टार्स की स्टोरी लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंक्लूड होते हुए दिखाई देंगे और यहाँ पर इनकी तरफ से हमें कुछ प्लान्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि कुछ एग्जीक्यूट करते हुए दिखाई दे सकते हैं और काफ़ी कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है इनकी स्टोरी लाइन के अंदर विंस मैकमैन का। तो ऐसा कुछ यहाँ पर अपडेट देखने को मिल रहा है, इसको लेकर भी भाई आपके क्या थॉट्स है कॉमेंट में बता देना। वैसे लेट्स सी इन फ्यूचर क्या कुछ देखने को मिलता है। अगले अपडेट की बात कर ले तो ये अपडेट हमें देखने को मिल रहा है 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को लेकर। तो जॉन सीना को लेकर एक काफ़ी गुड न्यूज़ देखने को मिली है बड़ी वाली, और ये है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को लेकर। तो जैसा कि आप लोग को बता दूं कि जो हमें सऊदी अरेबिया का पे पर व्यू देखने को मिलेगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग, उसके अंदर WWE यहाँ पर डिस्कस कर रही है जॉन सीना के मैच को लेकर। यानी कि जॉन सीना को लेकर प्लान बनाया जा रहा है कि जो जॉन सीना है वो मे बी किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में काम करते हुए दिखाई दे, ऐसा WWE यहाँ पर चाह रही है। अगर वो शेड्यूल से एग्री करते हैं, उनके पास टाइम आता है, तो वो हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर। मतलब इसके काफ़ी अच्छे खासे चांसेस है। तो ये कुछ यहाँ पर जीरो न्यूज़ की तरफ से अपडेट देखने को मिली है। तो होप करते हैं कि भाई जॉन सीना हमें देखने को मिले, एंड लेट्स सी वैसे क्या कुछ देखने को मिलता है जॉन सीना को लेकर और कौन सा अपोनेंट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल आपका क्या कहना है इन सारे अपडेट्स के ऊपर, क्या थॉट्स है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना कर सकते हो। इंस्टाग्राम एंड ट्विटर का लिंक भाई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके जरूर फॉलो भी कर लो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब करो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगाया।